अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्लस को और प्रेस कीजिए बेल आइकन इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हम बात करेंगे सामान्य अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण। इस पर हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। सामान्य अभ्यर्थियों को इससे कितना फ़ायदा, किसका कितना फ़ायदा, किसका कितना नुकसान, इसके लिए अभ्यर्थियों को क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इसके अलावा इसमें अभ्यर्थियों के साथ जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनका कितना फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, इन सब की बातें तथा जो सामान्य कैटेगरी के अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे ओबीसी की हम बात करें, चाहे SC ST की बात करें, इससे इनको कितना नुकसान होगा या इससे इसको इनको क्या फ़ायदा हो सकता है, इन सब की बातों को हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जो प्रभाव, इस आरक्षण का प्रभाव क्या पड़ेगा विभिन्न कैटेगरी के पर तथा छात्रों पर, इसका भी हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं इस गुणागणित को सबसे पहले इस तरह से। देखिए, 10% जब आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा तो इसका वास्तविक प्रयोग कैसे होगा, इसकी आज हम चर्चा करते हैं। पहले देखिए, मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम की घोषणा हुई जिसमें कि 100 सीटें घोषित की गई कि इसमें 100 सीटें रहेंगी, जिसमें अभी तक क्या होता था, सामान्य वर्ग के लिए 51% सीटें होती थी। इन सामान्य वर्ग में ओबीसी, SC ST का कोई भी अभ्यर्थी इस कैटेगरी में पहुंच सकता था, बशर्ते एक कंडीशन ये थी कि ये तीनों कैटेगरी इन जैसे कि आयु की छूट है तथा अन्य जैसे छोटे कुछ छूटें जो OBC SC ST को मिलती है, जैसे अटैम्प्ट की छूट है, ये सब छूटें अगर लेकर नहीं पहुँचे हैं, एक सामान्य अभ्यर्थी की तरह ये हैं, तो अगर इनके मार्क्स ज़्यादा हैं ये सामान्य की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये सामान्य अभ्यर्थी के रूप में सिलेक्ट होते थे, ना कि OBC SC या ST। तो इस 51% में जनरल वर्ग के भी विद्यार्थी सारे आते थे। इसके अलावा OBC SC ST के भी मामूली कहेंगे कि करीब 10% तक लड़के पहुंच जाते थे। इसी प्रकार 27% OBC के लिए सीटें आरक्षित थी, इसमें OBC के अलावा कोई भी नहीं जा पाता था। इसी प्रकार SC ST में जितनी सीटें 14.5% तथा 7.5% जितनी सीटें रिजर्व थी, इसमें कोई अन्य कैटेगरी का अभ्यर्थी, चाहे OBC हो चाहे सामान्य कैटेगरी का हो, अभ्यर्थी इनमें नहीं जा पाते थे, ना कि ST में SC वाला भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 100% सीटें इस प्रकार अलॉट होती थी। अब एक सेकंड के लिए अब देखिए कि अभी तक जो है, मान लीजिए कि कट ऑफ कितना बनता था, 80 सामान्य का बना, 75 OBC का बना, ये हम आपको समझने के लिए गणित समझा रहे हैं। इसका वास्तविक जीवन में ऐसे ही प्रयोग होता है। SC की 70 कट ऑफ गई है तथा ST की 60 गई है। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो गुणागणित अब बन रही है, देखिए अभी तक क्या था कि ये जो कट ऑफ 80 से ऊपर, मान लीजिए कि OBC का अभ्यर्थी आयु की छूट नहीं पा ली है, इसके अलावा उसने आयु की छूट के अलावा उसने अटैम्प्ट की छूट नहीं ली है, इन तीनों अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी कैटेगरी में, तो इन सबको क्या होता था, अगर इनके 80 नंबर या उससे ऊपर हैं तो इन तीनों कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे होते हैं, इन तीनों कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होते हैं, अगर 80 या 50 80 नंबर से ऊपर हैं तो ये भी सामान्य में फाइट कर जाते थे। बाकी वो सारे अभ्यर्थी क्या थे जो सामान्य कैटेगरी के हैं, वो भी इसी में रहते थे। अब बात करते हैं 75 में, तो ओबीसी में जो इनके मार्क्स कम होते हैं तथा जो किसी में छूट लिए रहते हैं तथा उनके मार्क्स 80 से भी नंबर हैं, लेकिन वो फिर भी ओबीसी कैटेगरी में शामिल होते हैं। इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का पिछली बार जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, उसमें आप रैंक मेरिट देख सकते हैं। जनरल की मेरिट गई थी
94, 93 तथा OBC की मेरिट 97 तक गई थी। तो ये इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार SC ST की मेरिट में SC ST में भी कोई अन्य अभ्यर्थी नहीं जा सकता था। तो ये देखिए अब गुणागणित यहाँ से कैसे बदलेगी सब। अब गुणागणित इनमें क्या फ़र्क आएगा और सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अभी तक क्या था कि 51% जो अभ्यर्थी थे इस 80 नंबर से ऊपर वाले होते थे, लेकिन अब क्या होगा कि इस 51% की जगह आप 41% जो अभ्यर्थी हैं वो क्या होंगे इस अब इस कैटेगरी में 80 से ऊपर वाले होंगे, और तथा 59% जो अभ्यर्थी हैं वो विभिन्न कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। तो अब देखिए इस 80 में क्या होगा, अब 10% जो आरक्षण सामान्य वर्ग को मिल गया है। तो अब इससे क्या होगा कि इनकी कट ऑफ में, जैसे हम आपको बता दें, आपको देखिए ये नीचे पहले गुणागणित समझ लीजिए। आरक्षण जो इनको 10% सामान्य अभ्यर्थियों को मिला है इसमें करीब 95% जो अभ्यर्थी हैं वो इस आरक्षण में आ जाएंगे। जब सारे अभ्यर्थी इसमें आ जाएंगे तो जो मेरिट है उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रह जाएगा। इस 10 में वो गरीब लोग आएंगे कहने को है, लेकिन इस जो 10% में है जो ये बन रहा है इसमें अब फाइट बढ़ जाएगी, ना कि इस 41% में। तो देखिए अब इस 41% में सभी कैटेगरी सामान्य कैटेगरी आएंगे, जिनके नंबर हाईएस्ट रहेंगे वो सारे आ जाएंगे। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब मेरिट हमारी जनरल की जो 8 लाख से नीचे आए वाले हैं वो सोच रहे हैं कि अब मेरिट हमारी भी कम जाएगी। तो उनके लिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए वास्तविकता में देखिए 90% जब छात्र 95% जब इसी 10% में आएंगे तो कट ऑफ में मामूली फर्क आएगा। हमें लगता है कि जो नॉर्मल पॉइंट में से ज़्यादा का कट ऑफ, अगर सीटें 1000 तक भी हैं तो 0.5 से ज़्यादा का कभी भी कट ऑफ में अंतर नहीं आने वाला है। ये आप लिख के ले लीजिए, ऐसा ही होने वाला है। तो आरक्षण अब देखिए 41% में बाकी जिनके नंबर अच्छे हैं उसमें आ जाएंगे। बाकी अब इससे देखिए गुणागणित क्या होगा। अभी तक जो होता था कि इस 51 में OBC भी आ जाता था, SC भी आ जाता था, ST भी आता था। अब ये 41 में आएंगे। 41 में तो जो OBC वाले जो लड़के हैं वो थोड़ा जो अब हाईएस्ट मार्क वाले रहते थे जो इस 80 के पॉइंट में पहुंच जाते थे वो अब क्या होगा कि अब ये मेरिट बढ़ेगी, क्योंकि इनकी मेरिट अब ये अलग हो जाएंगे तो इसकी मेरिट थोड़ा सा अबव जाएगी। तो जो इस 10% अब ये सीटें 10% अलग हो जाएंगी, जिसमें ना कि अब OBC फाइट कर पाएगा, ना SC फाइट कर पाएगा, ना ST फाइट कर पाएगा। तो OBC SC ST की मेरिट अब थोड़ा सा अब उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, तथा जनरल की मेरिट में जो ये 10% होगा उसमें बहुत कम बहुत माइनर फर्क देखने को मिल सकता है। जबकि OBC तथा SC ST से खासकर OBC की मेरिट में थोड़ा बहुत अब बढ़ोतरी होने होगी पूरी तरह से, ये आशंका है। आशंका क्या है, पूरी तरह से बढ़ोतरी होगी एकदम, ये पक्का फिक्स है। तो ये रहा कट ऑफ का कुछ जो महाजंजाल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। पूरी तरह से तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जंजाल इसका आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो डाटा बनाया है, अभी तक 51% सीटों में 70% वर्गों का सामान्य वर्गों का, ये जो 51% सीटें थी अभी तक, इसमें लगभग 70% सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का दबदबा था। अब क्या होगा, बाकी के 30% जो इसमें थी इस 51% में, 30% में कुछ OBC SC ST पहुंच जाते थे। अब क्या होगा, अब इस 41 में सामान्य वर्ग के अनरिजर्व रहेंगे वो, जो कि जिनकी संख्या बहुत मामूली रहेगी, 5% के करीब मैक्सिमम, तथा OBC SC ST के फाइटिंग इस 41% में अब फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। और इस जो 10% में आरक्षण मिल रहा है इसमें भी फाइट कम होने वाली नहीं है, ये जान लीजिए, क्योंकि 95% लड़के इसी 10 में जब पहुंच जाएंगे तो आपको क्या लगता है फाइट कम हो जाएगी, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें अब क्या होगा, इन सब का सामान अब फर्क कुछ
बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार इसको जितना बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, इससे कुछ खास फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, इसके वास्तविक जीवन में अब क्या बदलाव आएंगे, अब हम इसकी बात कर लें। इसके जो प्रभाव पड़ेंगे वो क्या होंगे, इन सब की अब हम बात करेंगे। तो ये गुणागणित आपको उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। अब वास्तविक जीवन में जो अब इसके प्रभाव हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रभाव क्या होगा। पहला प्रभाव क्या होगा, जो जनरल की कैटेगरी तथा अन्य वर्ग की कैटेगरी में अब जो है नाम मात्र का अंतर रह जाएगा। जी हाँ, अब जनरल की जो रिजर्व कैटेगरी है तथा अनरिजर्व कैटेगरी रहेगी, इसमें एकदम नाम मात्र का पॉइंट में कुछ पॉइंट्स में फर्क होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। इससे क्या होगा, अब देखिए दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा। अन्य कैटेगरी की मेरिट में अब थोड़ा सा उछाल आएगा, क्योंकि जो कुछ अभी अभ्यर्थी उस 10% में भी शामिल होते थे, यानी कि पूरे 51 में होते थे, अब वो 51 में ना आकर 41 में, मान लीजिए कि जो 10% में अभी, मान लीजिए कि कुल मिला के 3 जो है रिजर्व कैटेगरी के, जैसे कि छात्र आ जाते थे 30% मान लीजिए, तो 3 में OBC SC ST मिला के 3 ज़्यादा थे आ जाते थे, 7 जनरल के रहते थे। लेकिन अब वो जो 3 इसमें आ जाते थे, अब वो अपनी ही कैटेगरी में रह जाएंगे, वो सामान में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो उनकी मेरिट आप एवरेज लेंगे, अगर ज़्यादा सीट है तो उनकी मेरिट, जब वो अपनी कैटेगरी में ज़्यादा नंबर लेके पहुँचेंगे, तो सिंपल सी बात है मेरिट में उछाल आएगा। तीसरी बात ये है कि अब देखिए, जो जातिवाद की धारणा है इसमें थोड़ी सी क्या आएगी, गिरावट आएगी। क्योंकि जो लोग अभी जन सामान्य सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ये कहकर OBC SC ST वालों को चिढ़ाते थे कि रिजर्वेशन पाके नौकरी पा गया, तो अब ये बहुत हद तक नहीं बोल पाएंगे। यहाँ तक कि अब सामान्य वर्ग में ही बंटवारा होगा, अब सामान्य वर्ग में भी बंटवारा होने लगेगा, तो जो ये सामान्य वर्ग से जो लोग ये नीचे जाएंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं ये ख़त्म होगा। तो इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन कम होने के आसार हैं। जातिवाद के थोड़ा बहुत, आप ये नहीं कह सकते कि जातिवाद खत्म होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कमी आने के आसार हैं। इसके अलावा एक और जो फैक्टर है, जो धर्मवाद है, इस पे भी थोड़ा बहुत है। अब ये होगा कि अब जैसे कि अब गरीब गरीब तथा अमीर में फर्क होगा, फर्क बढ़ेगा। जी हाँ, अब गरीब तथा अमीर में फ़र्क बढ़ेगा। जिसकी ज़्यादा इनकम है वो नीचे वालों को और हे दृष्टि से देखेगा, क्योंकि नीचे वाले अब आरक्षण में भी शामिल हो जाएंगे। तो ये सब जो वास्तविक जीवन में ये बदलाव आने वाले हैं, आ सकते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा अंतर इनमें नहीं आने वाला है। तो यही रही, तो वास्तव में ये आरक्षण सामान्य अभ्यर्थियों को भले खुश कर रहा होगा, लेकिन जब वो फाइट में जाएंगे, वास्तव में जब इसकी वास्तविकता में जब आएंगे, जब एक दो रिजल्ट आएगा इस आरक्षण के बेस पे, तब उनको वास्तविकता समझ में आएगी कि ये आरक्षण वास्तव में आरक्षण नहीं, छलावा है और कुछ नहीं है। इनके साथ ठगी हुई है और कुछ नहीं हुई है। इससे अच्छा ये कहते कि कहीं आरक्षण ना मिलता तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये सारी बातें रहीं आरक्षण से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।